सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब कर दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे नए वीडियोस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है, जो कंपनी है, उसका नाम है जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो उसकी वेबसाइट को मैंने चेक किया, हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं बेसिक चीज़ें कि क्या करते हैं तो आपको भी समझ में आ जाए। जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेपर्ड लीफ एंड पैराबॉलिक स्प्रिंग्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया। इट हैज़ बीन अ ट्रस्टेड एंड प्रेफर्ड सप्लायर ऑफ लीफ एंड पैराबॉलिक स्प्रिंग्स टू ऑल मेजर सीवी मैन्युफैक्चरर्स फॉर ओवर 50 ईयर्स। द कंपनी इज फास्ट एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स लाइक एयर सस्पेंशन एंड लिफ्ट एक्सल। जमना ऑटो हैज़ बीन अ पायनियर इन लीफ एंड पैराबॉलिक स्प्रिंग्स इन इंडिया। द कंपनी हैज़ टाइड अप विद राइडवेल कॉरपोरेशन ऑफ USA to bring the latest technology in air suspension system to provide world class ride comfort for buses. बसों के लिए बहुत अच्छा सस्पेंशन ला रहे हैं। जमना has built up a strong leader network through its subsidiary Jay Suspension Systems LLP all over the country to support growing domestic aftermarket demand. The company sells springs under the Jay brand in the aftermarket and its products command premium. Suspension system is a highly critical component in commercial vehicles and it's because of this reason Jamna places his high reliance on constant technology innovation and adoption of the best practice in world class manufacturing in all its plants. दोस्तों, ये एक ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड कंपनी है और बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो आज की कारें हों, चाहे आने वाले इलेक्ट्रिक कार्स हों, बसेस हों, सब में इनके प्रोडक्ट्स लगते हैं। और मैं एक प्रोडक्ट्स की झलक भी दिखलाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, आप समझ गए होंगे कि गाड़ियों में कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल, बेस तो यही है, इसी पे तो पूरी सारी गाड़ियाँ रखी रहती हैं, सस्पेंशन वगैरह। ये देखिए, ये तो हैवी ड्यूटी 6-ton डिज़ाइन, हाईली लिबरल स्टेबिलिटी, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। ज़बरदस्त, दो सालों से ये, लगभग 50 सालों से ज़्यादा से ये काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। और चलिए हम इसके ये देख लेते हैं। जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड BSE पे आज April 3, 2019 को 12:39 पे 60.75 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 70 पैसे पे डाउन साइड दिखा रहा है। 52 वीक लो है इसका 48.50 रुपये और हाई था 102 रुपये है इसका। ये देखिए, एक साल पहले 103 का हाई बनाया था और तब से सीढ़ियों की तरह नीचे, मतलब जैसे इंसान उतरता है ना, बहुत तेज़ी से नहीं गिरा। ऑटो सेक्टर में ज़बरदस्त मार पड़ी हुई है, तो ये ऐसे ऐसे लो यहाँ पे बनाया 48 रुपये का और फिर देखिए अभी यहाँ पे बाउंस बैक किया है, अब यहाँ से उठना शुरू हुआ है। और 87% लोग कह रहे हैं बाय कर लीजिए, 13% कह रहे हैं सेल इट। यहाँ पे देखिए, हम कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन पे करें, मार्केट कैप है 2418 करोड़ की कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 3.86 रुपये का। पी है 15.73 की और देखिए इंडस्ट्री पी है 19.59 की। डिलीवरेबल है 58%, फेस वैल्यू है 1 की। डिविडेंड यील्ड ऑफकोर्स पे करता है 1.40% के हिसाब से। प्राइस टू बुक है 5.67 और बुक वैल्यू है 10.70। ये देखिए नेट सेल्स, हम स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स बता रहे हैं आपको। मार्च 18 में जहां नेट सेल्स में 560 करोड़ रुपए की थी, वहीं जून 18 में 548 डाउन थोड़ी हुई। सितंबर 18 में फिर यहां पे 523 हुई, यहां डाउन हुई लगातार। और दिसंबर 18 में 505 करोड़ की हुई, यहां लगातार चारों क्वार्टर्स यहाँ डाउन दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए, जहाँ मार्च 18 में 74 करोड़ की थी, वहीं जून 18 में 62 करोड़ और सितंबर 18 में 50 करोड़ हाँ दिसंबर 18 में ज़रूर यहाँ पे 65 करोड़ हो गए, जो कि पिछले मार्च 18 के मुकाबले यहाँ पे फिर भी डाउनसाइड। नेट प्रॉफिट में जहाँ पर 18 में 45 करोड़ की थी, वहीं जून 18 में 41 करोड़ और सितंबर 18 में 35 करोड़ और दिसंबर 18 में 31 करोड़ 16 लाख के। तो यहाँ पे देखिए लगातार यहाँ पे डाउनसाइड दिखा, तो इसीलिए एक साल के रिजल्ट्स भी आपको ऐसे ही दिखने चाहिए। हम दिखाएंगे आपको रिटर्न्स भी, आपको हिसाब से रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। देखिए टोटल डेट है 45 करोड़ जो कि बहुत ही कम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुड क्वालिटी कंपनी है, हम कंपनी ज़रूर क्वालिटी वाइज देखते हैं कैसे किस चीज़ से एनालाइज होती है कि मैनेजमेंट कैसा है, सेल्स ग्रोथ कैसी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस हिसाब से जो इसको निर्धारित किया गया है वो गुड क्वालिटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखिए 21.40% की, EBIT ग्रोथ है 57.64% की और ROE है इसका 23.26 की 26% की और ROCE है 29.89% की। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न देख लेते हैं, 10 सालों में 4683% मतलब 4683% के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए हैं, एक मल्टीबैगर ही कह सकते हैं आप। इतना ज़्यादा बना दिया पैसे कि आपके 1 लाख को इन्होंने 47 लाख के आसपास कर दिया। 5 सालों में देखिए 703% का रिटर्न है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। 4 सालों में 155% के आसपास का रिटर्न है और 3 सालों में 111% के और 2 सालों में 41% का रिटर्न है। 1 साल से अब देखिए रिजल्ट में जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से रिटर्न भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, 29% के नेगेटिव में है, 6 मंथ ईयर टिल डेट में 6.47 के नेगेटिव में, 6 मंथ में 18% के नेगेटिव में, 3 मंथ में 3% 4% के नेगेटिव में। हाँ 1 मंथ में ज़रूर इसने जो है थोड़ा सा अपसाइड 3.41% की अपसाइड है, 1 वीक में 2.45% की अपसाइड है और Day 1 में भी यहाँ पर नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से इसके रिजल्ट्स आए तो उस हिसाब से चूँकि आउटर सेक्टर पूरी तरह से टूटे हुए हैं सारे, चाहे टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए चाहे मारुति सुजुकी की बात कर लीजिए, तो सब में करेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये कंपनियाँ तो उन्हीं पर निर्भर रहती हैं, ऑटो इंसलरीज जो होती है जो कंपोनेंट्स बनाती हैं जो उनके पार्ट्स बनाती हैं, तो लेकिन हाँ ये आने वाले समय में चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएँ चाहे वर्तमान समय में जो उपलब्ध है वो रहें, ये ज़रूर उनके लिए काम करते रहेंगे, प्रोडक्ट्स बनाती रहेगी, उनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बनी रहेगी। तो रिजल्ट्स अब रिटर्न्स आपने देख लिए दोस्तों, आइए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग है 47.88% की और 0.6% मतलब बहुत मामूली सी शेयर्स गिरवी रखे हुए। म्यूचुअल फंड 16 हैं और FIIs 40 FIIs ने इसमें पैसे लगा रखे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 32.01% के आसपास है और देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ की हुई है। ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, देखिए 55 पैसे पर शेयर के हिसाब से इन्होंने पिछले साल पे किया था और अपनी इंडस्ट्री में 13वीं रैंक पे है। ऑटो इंसलरी से जय प्रिस्प्रिंग्स हाउस है, 1965 से काम कर रही है। तो अभी हमने दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स देखे, इसके बारे में पढ़ा और जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ एक इसके रिटर्न तो आपने खूबसूरत रिटर्न देख लिए, 10 सालों में इसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, मतलब आपने 2 लाख रुपए भी लगाए होते तो आप करोड़ रुपए के आसपास कमा लिए होते। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कंपनी बहुत ज़बरदस्त, इसका मैनेजमेंट गुड क्वालिटी कंपनी है। हाँ फिलहाल अभी मैं जैसे कि हमने वो रिजल्ट्स देखे इसके स्टैंड अलोन के नॉट कंसोलिडेटेड, तो स्टैंड अलोन में जो रिजल्ट्स जिस हिसाब से थे मुझे लगता है कि उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल पाए 1 साल से और वर्तमान जो स्थिति है इनकी वैल्यूएशन की वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव में है और फाइनेंशियल ट्रेंड भी थोड़ा सा अभी नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हमें सस्ते में कोई स्टॉक प्राइस बढ़िया कंपनी गुड क्वालिटी कंपनी की मिल रही है और ऑटो सेक्टर के जब समय आएगा जब रैली आएगी तो ये भी भागने में सबसे आगे रहेगी। पिछले 10 सालों में भी अच्छा दिया, आगे आने वाले सालों 10 सालों में भी ज़बरदस्त आपको कमवा के देगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो मैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको जो कि पिछले पास्ट में जो किया और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दे सकते हैं, जब भी गिरावट हो या वर्तमान समय में भी काफ़ी जो अट्रैक्टिव जो इसकी स्टॉक प्राइस है आप चाहें थोड़ा थोड़ा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मुझे लगता है कि ये अच्छा रिटर्न भविष्य में देगा, ऐसी आशा है। दोस्तों एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से, कोई भी स्टॉक लेने और बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।